आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की किसी खास खबर से। कोविड 19 को लेकर पूरे देश में जिस तरह से असर देखने को मिला है, उसमें एक स्थान देश के प्रसिद्ध सिद्धपीठ छिन्नमस्तिका में भी 7 महीनों से पूर्णतः मंदिर आम और खास शरणार्थियों के लिए सील कर दिया गया था। लंबे समय के बाद मंदिर खुलेंगे। दशहरा के महानवमी और महादशमी को मां के भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। हजारों की संख्या में बच्चे, महिलाएं समेत श्रद्धालुओं ने पहुंचकर मां के दर्शन किए। कोविड 19 की गाइडलाइन को मानते हुए बिना मास्क नहीं कराया गया मां के दर्शन। इसके अलावा जगह जगह पर सैनिटाइजर की गई व्यवस्था। इस बार दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन की सजगता भी काफी देखने को मिली। जगह जगह पर पुलिस फोर्स की गई थी तैनाती। महादशमी में मां को विदाई नम आंखों से दी गई। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी अजय पंडा ने पूरे भावुकता के साथ कहा, आज मछली खिलाकर मां को करेंगे विदा। रामगढ़ से जयप्रकाश की रिपोर्ट। 7 महीनों के बाद मंदिर खुला है, किस तरह का विधि व्यवस्था और श्रद्धालुओं की भीड़ काफी ज्यादा उमड़ पड़ी है? देखिए, 7 महीना मंदिर बंद होने के पश्चात 8 तारीख को मंदिर खुला। बहुत भक्तजन बहुत परेशान थे कि कब मंदिर खुलेगा, मंदिर खुलेगा। माँ का कृपा, मंदिर खुल गया। माँ के दरबार में भक्तजन अगल बगल प्रांत से, बिहार, झारखंड, बंगाल से माँ को नमन करने आ रहे हैं। अभी दुर्गा पूजा में अक्सर सप्तमी से प्राय यहाँ पर थोड़ी सी भीड़ बढ़ी। आज दुर्गा दशमी के अवसर पर माँ के दरबार में सब नमन करने आए हैं। कोविड 19 का भी सिस्टम का ही पालन हो रहा है। सरकार के निर्देश अनुसार प्रशासन की तरफ से पूरी मदद मिली है, लेकिन आज दुर्गा दशमी के अशुभ अवसर पर आज एक चारों तरफ का द्वार मतलब खुला हुआ है माँ का दरबार, जिस कारण आज मुंडन का जोग भी है, जिस कारण थोड़ी सी भीड़ बढ़ी हुई है। माँ के दरबार में भक्तजन आके नमन कर रहे हैं, आशीर्वाद देते हुए, माँ के यहाँ दुर्गा दशमी में आशीर्वाद देते हुए, दशहरा के शुभ अवसर पर माँ का आशीर्वाद देते हुए यहाँ पर बलिदान प्रदान कर रहे हैं। माँ की विदाई नम आंखों से किस प्रकार आप लोग कर रहे हैं? आज दशमी का दिन है, माँ का आपका दुर्गा दशहरा का दिन में माँ का यहाँ पर विशेष पूजा होता है। माँ का 12 बजे नित्य समय भोग लगेगा। भोग लेने के बाद सब वितरण होगा भक्तजनों के बीच में। कल महानवमी का पूजन हुआ है, कल भीड़ थी, लेकिन जो भी सरकार का जो कोविड का जो एडवाइजरी है उसके तहत हम लोग यहाँ पर दर्शन करवाए हैं। सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया है, सैनिटाइजर लगवाया गया है और बिना मास्क पहने हुए कोई भी दर्शनार्थी को मंदिर में प्रवेश वर्जित। हाँ, जदा कदा कोई चल जाए वो अलग बात है, लेकिन 99% आदमी जो भी एडवाइजरी है कोविड का भारत सरकार द्वारा उसका पालन करते हुए कल महानवमी का पूजन किए हैं। आज महादशमी में भगवती का दर्शन करने के लिए आज भी श्रद्धालु का भीड़ बहुत है। आज कोविड का ही पालन करके सब दर्शनार्थी मास्क लगा के, सैनिटाइजर लगा के, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दर्शन कर रहे हैं। आज भगवती को हम लोग 12 बजे जब मंदिर में माँ का भोग लगता है उस समय मछली, आज भोग हम लोग माँ को खिला के विदा करेंगे। कितने सालों से ये परंपरा चल रहा है? माँ को मछली खिला के विदा करने का परंपरा कितने साल से? ये परंपरा शुरू से चलती आ रही है। ये घर में भी चलता है कि बेटी को माँ भात खिला के विदा करे। आप रो किस ले रहे हैं? भाव कौन है कि बेटी को माँ को विदा करना चाहिए। सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का अक्षरशः पालन किया जा रहा है। यहाँ पे लाइन में जगह जगह पर सैनिटाइजर लगा हुआ है, मास्क लोग पहने हुए हैं, सैनिटाइजर से अपना हाथ को धो करके ही लाइन में विधिवत पूजा पाठ करने के लिए तैयार है, विधिवत पूजा पाठ कर रहे हैं। सरकार के गाइडलाइनों का फॉलो किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नो डाउट है। सरकार का दिया गया निर्देश जो है उसका फॉलो किया जा रहा है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आरक्षी 348 ज्योति साह हुआ।
आप यही रजरप्पा रजरप्पा मंदिर ऑफिस से हम हैं। नमस्कार, मैं जयप्रकाश आरती भारत से। इस वक्त हम रजरप्पा छिन्न मस्ते का मंदिर में हैं, जहां पर 7 महीनों के बाद COVID-19 के दिशा निर्देश पालन करते हुए, सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश का पालन करते हुए श्रद्धालुओं की काफ़ी संख्या में भीड़ हो पड़ी है, जो मास्क सैनिटाइजर ये सब के बाद ही मंदिर में प्रवेश करने दिया जा रहा है। यहाँ सुरक्षा के लेकर चाक चौबंद भी जगह जगह पर प्रशासन तैनात किया गया है। मंदिर न्याय समिति के लोग के द्वारा भी विशेष एहतियात बरतियात बरता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर दशहरा की नौवीं और दसवीं में श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ उमड़ पड़ी है, उसके बावजूद भी शांति व्यवस्था बहाल है।